वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ माइक्रोवेव हैक्स। चलते हैं फर्स्ट हैक की तरफ। पापड़ को कैसे रोस्ट करें माइक्रोवेव में। मैंने एक पापड़ ले लिया है। इसे हम ऑयल, घी कुछ भी नहीं लगा रहे, एज इट इज़ इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में टर्न टेबल पे माइक्रो मोड पे 1 मिनट के लिए। आप 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए टाइम सेट कर सकते हो, क्योंकि हर एक माइक्रोवेव की पावर अलग अलग होती है। 30 सेकेंड से 1 मिनट में बन जाता है। मेरे माइक्रोवेव में ये 1 मिनट में तैयार हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, बिल्कुल करा रहे हैं ये। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, जैसे रिलीज करता है पापड़। उस केस में आप एक टिश्यू पेपर ले लें, उसमें एक टिश्यू पेपर में अपने पापड़ को रख के वैसे ही सेम 1 मिनट के लिए टर्न टेबल पे रख के माइक्रो मोड पे रोस्ट कर लो। आपको एल्युमिनियम फॉयल यूज नहीं करनी, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। टिश्यू पेपर ही यूज करना है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल आग पकड़ लेती है इसमें माइक्रोवेव में। दिखा रही हूँ मैं आपको इसको, ये देखो नीचे से बिल्कुल ब्राउनिश करारा सा हो गया है। सेकंड हैक है फ्रायम्स को कैसे फ्राई करें विदाउट ऑयल इन माइक्रोवेव। मैंने कुछ फ्रायम्स लिए और इनको टर्न टेबल पे रख दिया। मैंने कोई घी या ऑयल कुछ भी अप्लाई नहीं किया। कुछ स्पेस दे दिया हमें ताकि फूलें वो, तो उनको जगह मिल जाए। इसे भी हम माइक्रो मोड पे चलाएंगे 1 मिनट के लिए। आप 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम सेट कर सकते हो और बीच में खोल के देख भी सकते हो। 1 मिनट में आप देख रहे हो कि फ्रायम्स बिल्कुल बन के तैयार हैं। मैंने इन बिटवीन खोल के देखा था, आप भी चेक करते रहिए बीच में। बिल्कुल क्रिस्पी बन चुके हैं ये। अगला है क्या, पानी पूरी या गोलगप्पे कैसे बनाएं माइक्रोवेव में विदाउट ऑयल। इसे भी मैं वैसे ही टर्न टेबल पे रख रही हूँ। ये रेडीमेड पानी पूरी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं ये। इसे भी हम माइक्रो मोड पे 1 मिनट के लिए चलाएंगे। वन मिनट में हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हैं। बिल्कुल ऑयल फ्री। देखो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्रिस्पी हैं ये। इनमें आप आलू, पानी, जो भी जलजीरा पानी भर के सर्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक। मैंने कुछ लाल सूखी मिर्चें ली हैं 10-15। इनकी मैंने डंडियां तोड़ दी और इनको भी टर्न टेबल पे रखा। एक मिनट के लिए चलाया और इन्हें हमने बाहर निकाल लिया केयरफुली, क्योंकि ये गर्म है। थोड़ा ठंडा कर लिया। मैं आपके इनको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये हमारे चिल्ली फ्लेक्स बन गए, जो मार्केट से हमें काफी कॉस्टली मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कसूरी मेथी कैसे बनाएं। मैंने इसमें 100 ग्राम मेथी ली, उसकी डंडियां तोड़ दी और धोकर एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रखा 1 मिनट के लिए। हमने टोटल इसको 5 मिनट के लिए रखना है माइक्रोवेव में।
पर हम एक एक मिनट बाद खोल के इसको पलटते रहेंगे। ये थोड़ा मॉइस्चर रिलीज करेगी, तो आपने घबराना नहीं है। ये गीली हो गई है जैसे आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा पलटते रहेंगे हर एक एक मिनट के बाद, और टोटल 5 मिनट में हमारी कसूरी मेथी बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको छान भी सकते हो अगर आपको डंडियां ना पसंद हो, और 1 साल तक आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें अगर नहीं किया अभी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।